तुम साला चश्मा लगा के पूरा टाइम लड़की ताड़ते रहते हो बे। अरे ऐसे बड़ा लुच्चा आदमी हो बे तुम। हाँ मजा क्या हुआ बे? टॉप लड़की पकड़ा है अभी लड़की नहीं बवाल है रिया सवानी वो कहते हैं ना निकल पड़ा है इसका जीने माधव इस सब हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा बे का है क्या ठीक नहीं लग रहा तुमको रिया तुम्हारा औकात के थोड़ा बाहर नहीं लगता का अबे का है बे साला का खराबी हमारे लौंडे में है असल जिंदगी के सिमराओं के राजकुमार है मतलब देखो इनको यार तुम मतलब साला तुम इसको पुला पुला के कुतुब मीनार बना दो और ये किसी दिन सेंटिया के गिरेगा मुकाबला पक ए माधव तुम इन लोगों का बात मत सुनो बे ये जो रिया नाम की सोच रही है ना ये केवल तुमको घुमाएंगी और कुछ नहीं करेंगे हम कह रहे हैं तुमसे साला सुन लो हमारा बात बक साला निकलो ऐसे चलो चलो तो हमको ये तुम साला बिहारी झारखंडियों के साथ ना रूम शेयरिंग का प्लान वहां झंड तक खुद तो कुछ करेंगे नहीं कोई दूसरा आगे बढ़ेगा तो उसे भी अरे हम तो क्या खेल रहे हैं सुनो तो हमारे पास एक नाम बना है भाई सुनना अपना आईडिया सुनो यार तुम उसको टेस्ट तो करके देख लो यार तुम टेस्ट हां ऐसा टेस्ट यार तुम हां तुम उसको बास्केटबॉल के अलावा ना किसी और चीज के लिए पूछ के देख लो एक बार डेट पे ले जाइए ना पिक्चर के लिए पूछिए फर्स्ट क्लास आइडिया है और साला ने गोल्ड शीट ले लेना उसमें क्या होता है कंबल लंबा मिलता है और सीट पूरा खुल के ऐसा बिस्तर बन जाता चुप है चुप करे कुछ भी अनाथना बकते हैं ऐसा नहीं बात करते हैं चुप करे वैसे सरलाइस बाबू का आइडिया एकदम तगड़ा है अगर लड़की मान गई तो उनकी गर्लफ्रेंड और नहीं मानी तो समझ जाएगा कि उसका लाइफ में आपके लिए क्या जगह है बुझे हम आपसे एक बात पूछे पूछो हम खाली बास्केटबॉल दोस्त हैं या फिर चाय कॉफी दोस्त भी बन सकते हैं ऑफ कोर्स बन सकते हैं अच्छा एक और सर पूछो खाली आपके चाय कॉफी वाले दोस्त हैं या फिर आपके सिनेमा वाले दोस्त भी बन सकते हैं मेबी मेबी माने हाफ कोर्ट से बास्केट स्कोर करके दिखाओ अगर हो गया तो मूवी प्लान ऑन बाय बाय मूवी इतनी इंपॉर्टेंट है हम सिमराओं के साथ हार नहीं मानते हर ससुरा हमसे हार मानता है फाइन मैं चलूंगी तुम्हारे साथ मूवी के लिए ये लो पानी पियो डिहाइड्रेट हो जाओगे यानी कि हमारा डेट पक्का इट्स नॉट अ डेट वी आर जस्ट हैंगिंग आउट हैंगिंग आउट वो क्या होता है मतलब हम दोस्त हैं वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ मूवी दैट्स ऑल Why do you make me do this all the time? Why do you have to prove? Why do you push me like that? You know, I can't just take this anymore. I can't bear with you anymore. You are pathetic. I will do whatever I want to. I don't owe you anything. If it's all so bad, why do you live off me? ₹400 का कॉर्नर सीट भी ले लिया है ₹150 का पॉपकॉर्न गई वैसे हमारे यहाँ मकई का दाना गुमटी में ₹10 का मिलता है क्या खास है इसमें चलिए अगल बगल सो तो पहले ही शुरू हो चुका है
ये कहाँ गई? ओ, नीचे जाना है। पहली बार किसी लड़की के साथ हाल में आए हैं। इतना प्रेशर तो माई भैया को वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं लगाओ। अरे इतना काहे नर्वस आ रहे हो? सोचिए मत, कैसे भी करके अपना भीतर दो पैसे का कॉन्फिडेंस जगाइए और बहिया धर लीजिए। अरे ये तो झटक दी। हंसू, प्यार जताना चाहते थे और रुला दिए। जी ओ माधव झा, इतिहास का सबसे निकम्मा आशिक हो तुम। तो मैं बच जाता। उल्टी हवा में दौड़ना, अपनी टोली से दूर भागना, अगर तुम सबके साथ नहीं रहोगे तो किसी का नाश्ता। ये मूवी डब्ड है। मैंने सही रास्ता लिया था। हम तो टिकट वाले भाई साहब से कहे थे हमको इंग्लिश में गोल्ड सीट दे, वो टिकट वाले भैया ने हमारे चीटिंग किया है। ये टाइम पे यही सो होगा तो हम उनको कहे थे कि कॉर्नर वाले सीट नहीं। सुनने तो डायलॉग्स बहुत फनी। इट्स प्रीटी फनी। सारे के पीछे चले जाओ। ओह माय गॉड। वापस चलते हैं ना, छोड़िए ना, चलते हैं ना, देख लेगा कोई। चलिए ना, बहुत ऊंचे। I love this place. This view, it's magical. Baitho. All the way till there, it's so beautiful. This place. जब भी अपने इश्यूज से भाग जाने का मन करता है तब यहाँ आ जाती हूँ। आप जैसा लड़की किस चीज से भागना चाहेगा? What if I tell you that I have a super messed up family. अभी वो लोग मत दिखाना था sympathy वाला, हाँ? I hate pity. मैं अपने खुद के issues के साथ deal कर सकती हूँ। कैसे? अकेले अकेले गाना गा के? हम देखे हैं आपको college के auditorium में। बहुत ही अच्छा गाती हैं आप, हाँ? लेकिन आप ये अकेले अकेले काहे गाती? Actually मैं एक लाइव ऑडियंस के सामने गाना चाहती हूँ। एट अ बार इन न्यूयॉर्क सिटी। आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट मैं जब 12 साल की थी, वी वेंट ऑन अ फैमिली ट्रिप टू न्यूयॉर्क एंड वहाँ व्हेन वी वर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, पास में एक जैज बार था एंड वहाँ पे जाके देखा तो एक लड़की गाना गा रही थी एंड शी वाज, उसकी आंखें बंद थी एंड वो पूरी तरह से अपने म्यूजिक में खोई हुई थी। मुझे आज भी वो गाना सुनाई देता है। एनीवे, मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ। व्हाट्स योर ड्रीम? हमारा तो एक का ही सपना कि कभी कोई खूबसूरत लड़की हमारे लिए भी गाना गाए। मैं जा रही हूँ अपने सपने से।